इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहा है। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, फलाना सरपंच हूँ, और जब वो सरपंच नहीं होता, तो ऐसे ही दास ने कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया, दास बोल के सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या तीन लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई, और उसको उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले की, अभी बहुत बार होती रहती हैं घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है, और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको धात्म ज्ञान नहीं है।